बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हो जतोई फार्म 228 और मैं हूँ जतोई फार्म से मोहम्मद अवैस। तो माशाल्लाह जी, आज हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है, आपको जानवर नहीं दिखाने या जानवरों के रेट या मंडी की अपडेट आपको आज नहीं दे रहे। आज सिर्फ और सिर्फ दोस्तों के लिए इंफॉर्मेटेड वीडियो है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों से गुजारिश पहले यही कर रहे हैं कि वीडियो को इतना शेयर करें कि मेरे जो दोस्त सदका समझ के शेयर करें, क्योंकि जिनके पास ये वीडियो जाएगी उनका अगर फ़ायदा होगा तो अल्लाह उसका अजर आपको देगा। तो मेरा आज जो वीडियो बनाने का मकसद है कि आजकल जो आप देख रहे हैं फेसबुक पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों के पैसे जो है वो मतलब जब्त हो रहे हैं। कोई दोस्त जानवर खरीदता है, वो अगले बंदे को पैसे भेजता है और वो नंबर बंद कर देता है। मुझे काफ़ी कॉलें आई हैं दोस्तों की कि अवैस भाई फलां इलाके का बंदा है, मतलब मंडी बहाउद्दीन का बंदा है, अवैस भाई गोजरा वाली साइड का बंदा है, तोसे वाली साइड का बंदा है। तो मुख्तलिफ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4-5 साल हो गए हैं पाकिस्तान में, जो पहला लॉकडाउन लगा था मैं तब से ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ जानवरों पर, बछड़ियों पर। तो कुछ एक्सपीरियंस भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बछड़ियों के बारे में अल्लाह ने एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो कोशिश किया करें, आज जो वीडियो बनाने का मकसद है दोस्तों को अवेयरनेस देनी है कि दोस्त फ्रॉड से बचें, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा हूं दोस्तों के लिए ताकि किसी दोस्त के साथ कोई धोखा ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, बाकी तो अल्लाह ने करना है, अल्लाह ने साथ देना है, बेशक उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है ना। हम तो मेरी कोशिश है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊँ दोस्तों के लिए, एक ऐसा सोर्स बनाऊँ कि दोस्तों को बछड़ियाँ भी मिलें, अच्छी ब्रीड भी मिले, और कीमत भी, ये नहीं कह रहा कि आपको सस्ती मिलेंगी, लेकिन नहीं, मार्केट के लिहाज से आपको रेट जो है मामूल के मुताबिक जो चल रहा है वही रेट मिलेगा। ये अच्छी ब्रीड खरीदेंगे तो साफ ज़ाहिर अच्छे पैसे हैं, अगर नॉर्मल लोकल ब्रीड पे आ जाएं तो लोकल पैसे, साफ ज़ाहिर लोकल ब्रीड लेंगे तो फिर कल को लोकल गाय बनेगी तो फिर वो लोकल के हिसाब से आपको रेट देगी ना। अगर आप आज एक जानवर खरीदते हैं 70-80 हज़ार की, अच्छी आप कहें कि बड़ी बछड़ी मिल जाए और 4-5 लाख की गाय बने, तो ऐसी बात नहीं है। जो आप कहते हैं कि 4-5 लाख की गाय बने वो 1.5 लाख से प्लस मिलती है। तो बात करने का मेन जो आज वजब है, या आज बात करने का जो माशाल्लाह जी आज मकसद है कि दोस्तों के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे दोस्तों को बछड़ियाँ भी मिलें, नस्ली मिलें, अच्छी मिलें, सबसे बड़ी बात गारंटेड मिले। आप मंडी से ख़रीदारी करते होंगे, मंडी से बछड़ियाँ ले जाते हैं, मेरे ख्याल में मेरा भी 4-5 साल का एक्सपीरियंस है मंडी में, जो मल्लू मोड़ की मंडी है या गोजरा की मंडी है या लुटन की मंडी है या ज़िला अटक गोंदल वाली मंडी है या पुलकम्बर मंडी है, मैं सब मंडी की बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर जानवर आप देखते होंगे, मतलब कुछ रिपीटर होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, कुछ कैसे, मतलब दो नंबर भी आप समझते हैं मंडी में चलती है। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जहाँ पे कोई 1% भी दो नंबरी ना हो, रेट भी अच्छे हो, नस्ल भी अच्छी हो, और अगर कोई आपके साथ धोखाबाजी या कोई गलत जानवर देता है तो वो वापस रिटर्न हो सके। तो इस बात पे ज़रा सा आपने फोकस करना है कि मंडी में आप जानवर खरीद करके ले जाते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन आज मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह दोस्तों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इसीलिए मैं दोस्तों को कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि मेरे जितने देखने वाले हैं उनका फ़ायदा हो जाए। तो मैं पहले इधर 228 चेक है, ये ज़िला लहिया में वाक़ है, फतेहपुर शहर है, ज़िला लहिया छोटा सा ज़िला है, तो कई दोस्तों को पता नहीं चलता, तो मैं थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ। ये मुल्तान से 140 किलोमीटर है फतेहपुर शहर, यानी मुल्तान से मियाँ वाली जाएँ, MM रोड इसको कहा जाता है, मुल्तान टू मियाँ वाली, ये स्ट्रेट रोड है, मतलब ये दाएं बाएं नहीं मुड़ता, बिल्कुल सीधा रास्ता है। ये बहुत बड़ा तिजारती पाकिस्तान का रोड है, मियाँ वाली और मुल्तान वाला रोड। तो मुल्तान की तरफ से आएँ तो 140 किलोमीटर है, अगर मियाँ वाली से आएँ तो 160-161 किलोमीटर है, अगर जंग वाली साइड पे आ जाएँ, जंग से आएँ तो तकरीबन 120 किलोमीटर है सफ़र, क्योंकि फतेहपुर छोटा सा शहर है, दोस्तों को पता नहीं चलता भाई फतेहपुर कहाँ पर है। मज़ीद मेरा इनबॉक्स में नंबर है, आप मेरा नंबर उठा के मुझसे रब्ता करके मजीद जो भी डिटेल आप लेना चाहे, जानवर के बारे में लेना चाहे, ख़रीदारी से हट के जानवर के बारे में डिटेल लेना चाहे, अवैस भाई चारा नहीं खा रहा, अवैस भाई प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, जो मेरे इलम में हुआ वो दोस्तों तक इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। तो मेरा जो आज वीडियो बनाने का मकसद है, कई दोस्त ऐसे हैं कि जो फेसबुक पर फ्रॉड कर रहे हैं,
वीडियो लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं, जानवर 3 लाख वाला और 1.5 लाख डिमांड कर रहे होते हैं। कई मेरे दोस्त लालची हैं, वो देखते हैं यार ये बंदा बहुत सस्ती चीज दे रहा है, सस्ता जानवर दे रहा है, तो धोखे में आके जो है उसको पेमेंट ऑनलाइन कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उसका नंबर गुम हो जाता है, बंदा गुम हो जाता है, तो वो देखता है यार किधर गया। तो इस चीज से बचे, पहले चेक करें जो यूट्यूबर है, जैसा कि मैं हूँ, ये जानी बेस्ट टीवी है या सखावत सरगाना है, तो इस तरह के बड़े यूट्यूबर हैं या फेसबुक पे जिनके बड़े बिजनेस पेज हैं, जैसे गाय और भैंस चकवाल के संग, यानी बहुत एक प्लेटफॉर्म बने हुए हैं ये आजकल माशाल्लाह जी, तकरीबन 70% जो कारोबार है वो ऑनलाइन चल रहे हैं। तो ये जानवरों के भी आजकल जो कारोबार है ऑनलाइन ज्यादा चल रहा है, तो कोशिश करें लाइव विजिट करके जानवर खरीदें। तो क्या, क्योंकि आप लाइव आएंगे, जानवर आपको वीडियो में नहीं अंदाजा हो रहा, तो आप जब लाइव आएंगे तो आपको सारा उसका जो है बायोडाटा पता चल जाएगा। आप दांत देख सकेंगे, आप उनके थन देख सकेंगे, आप मतलब उनको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि ये कितने दिन में सेमिनेट होने वाली है। हाँ, अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन मैं खरीदता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, या सफ़र ज़्यादा है, या सौ मजबूरी हो, तो फिर बयाना लगा दें और यूट्यूब जिस जो बंदा उसकी वीडियो अपलोड कर रहा है उसकी गारंटी उससे रब्ता करें, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है। यूट्यूबर और फेसबुक का वाला बंदा कभी भी फ्रॉड नहीं करता, क्योंकि उसने लाइफ टाइम का काम करना है, जिंदगी पूरी का काम करना है, कोई एक दिन या दो दिन का काम है नहीं। तो यूट्यूबर से पहले रब्ता करें, उसे बोलें भाई जान आपने फलां फार्म की फलां बंदे की जो है वीडियो लगाई है, तो क्या वो जानवर प्रॉपर आप उसकी गारंटी उठा सकते हैं? अगर वो बंदा गारंटी उठा ले तो फिर ये है कि आप वो जानवर तसल्ली से खरीद सकते हैं, क्योंकि यूट्यूबर के बारे में आप छोटी सी भी एक वीडियो जो है अपलोड कर दे तो उसका सारा ऐसे समझ लें कि काम का सत्यानाश हो जाएगा। तो मैं एक ऐसा कोशिश कर रहा हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ दोस्तों के लिए, जहाँ पे दोस्तों को अच्छे अच्छे जानवर मिलें और रेट भी मकबूल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सुनते होंगे कि मल्लू मोड़ की जो मंडी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बछड़ियाँ आती हैं, और हकीकत बात है हम भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में बछड़ियाँ आती हैं और बहुत अच्छी नस्ल की आती हैं, और बहुत दूर दूर से लोग व्यापारी हजरात वहाँ पे आके जो है ख़रीदारी करते हैं, मतलब कि जो अपने इलाके में जाके सेल करते हैं या जो रखते हैं, जो ले जाते हैं बछड़ियाँ और गबन करवा के तैयार करके सेल करते हैं। तो एक ऐसा इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ये माशाल्लाह हमारा ज़िला लहिया जो है छोटा सा शहर ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान के दूसरे नंबर पर फार्मिंग के लिहाज से, पाकिस्तान के दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ज़िला है फार्मिंग, ये बछड़ियाँ और गाय वगैरह के जो लिहाज से पाकिस्तान का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा शहर है जहाँ पे फार्मिंग सबसे ज़्यादा की जाती है बछड़ियों की। तो इंशाल्लाह दोस्तों को यहाँ पे ब्रीड भी इंशाल्लाह मिलेगी और नस्ल भी मिलेगी, जानवर अच्छे अच्छे मिलेंगे और ज़्यादा तादाद में मिलेंगे, लोगों को इतनी बछड़ियाँ मिलेंगी इंशाल्लाह जितनी आप तवक्को भी नहीं कर सकते। मल्लू मोड़ पे आप सोचते होंगे बहुत ज़्यादा बछड़ियाँ हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरा दावा यह है कि मल्लू मोड़ से भी ज़्यादा बछड़ियाँ आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप आएँ विज़िट करें, जैसे आप एक सब्ज़ी की मार्केट में जाते हैं या मोबाइल मार्केट या कोई भी मार्केट है, आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर रेट चेक करते हैं, आपको जो चीज़ जहाँ से सस्ती मिलती है वहाँ से ख़रीदते हैं। इंशाल्लाह आप आएँ, इधर भी एक फार्म नहीं, 10-10, 12-12 फार्म है बछड़ियों के, 10-10, 12-12 फार्म है गाय के जो कि फार सेल का काम कर रहे हैं। आप आएँ इधर विज़िट करें, एक एक फार्म का विज़िट करें जहाँ से आपको सस्ती मिले। मेरा अपना भी बछड़ियों का फार्म है, जहाँ से आपको बछड़ी सस्ती मिले या आपको जहाँ फ़ायदा हो रहा हो, मैं आपको ये नहीं कहता मुझसे ख़रीदें या फलां बंदे से ख़रीदें, जहाँ मेरे दोस्तों को मेरे व्यूअर्स को फ़ायदा हो वहाँ से आप जानवर ख़रीदें। और काइंडली मेहरबानी करें कि नस्ल पालें, इंशाल्लाह अगर आप अच्छी नस्ल के फोकस करना सीख जाएंगे, जानवरों की पहचान सीख जाएंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में आपको बहुत फ़ायदा मंद होगा। तो माशाल्लाह जी मेरी कोशिश यही है दोस्तों के लिए कि अच्छा प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसा सोर्स बना दें जहाँ पे जो दोस्त है अच्छे अच्छे जानवर खरीदें, और बाकी अल्लाह इसका मुझे अजर देगा। और हकीकत बात है पहले मैं अपने गाँव में जो फार्म है वीडियो लगाता रहा हूँ, तो मैं जिस फार्म की वीडियो लगाता था दोस्त यही कहते थे अवैस भाई हमें शर्म आती है, आप अपना नंबर दें। मेरा अपना भी फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो मैंने हर जगह पे जाके वीडियो बनाई है, लोगों ने कहा है नहीं अवैस भाई आप ही हमें सेल कर दें, हमें जो है ना इस चीज़ से दूर रखें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने 2 दिन पहले लगाई है, ईद से 1 दिन पहले जुमा वाले दिन लगाई है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर भी फेसबुक पर भी, आबद भाई की वीडियो है, उनके माशाल्लाह कुछ 6 एफर्स लगाई थी।
तो तीन वीडियो मैं नवीद भाई की भी लगा चुका हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके अंदर भी एक अवेयरनेस आ रहा हूँ कि आप खुद अपना जानवर सेल करें, किसी को कमीशन पे ना सेल करने दें। तो इधर कमीशन वाले भी कई ज्यादा हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुद का काम है, खुद का फार्म है, खुद का मतलब के बछड़ियों का माशाल्लाह पूरे गांव में एक अच्छी ब्रीड का सेटअप है, अच्छी बछड़ियां जो है माशाल्लाह पूरे गांव में आपको, आप विजिट करें आपको देखने में मिलेंगी, मेरे पास भी और भी माशाल्लाह हमारे गाँव में बहुत अच्छी अच्छी ब्रीड का काम कर रहे हैं। तो कोशिश करें, पहली बात जो मैं दोस्तों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ कि विजिट करके लें, आप इधर विजिट करेंगे आप सारे जानवर देख सकते हैं, तकरीबन 200 के ज्यादा बछड़ी जो है एक गांव में अवेलेबल होती है, एक गांव की बात कर रहा हूँ, और दो गांव इधर इतने बड़े गांव हैं जो बछड़ियों का काम कर रहे हैं। आप आए, आप मार्केट चेक करें प्रॉपर तरीके से, बेशक मेरे पास आ जाए, बेशक आबिद भाई के पास आ जाए, बेशक नवीद भाई के पास आ जाए, दादू के पास आ जाए, जहूर भाई के पास आ जाए, आरिफ भाई के पास आ जाए, जिसके भी पास आ जाए वो आपको मुकम्मल विजिट करवाएगा, लेकिन आपने अपना माइंड इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर आपको आपका दिल मुतमिन हो रहा यार ये फला बंदा ठीक है, हाँ उस पर भरोसा कर लें, क्योंकि दिल अगर मुतमिन है तो फिर कोई बात नहीं। तो कोशिश करें विजिट करके खरीदें, और सस्ती चीज़ पे ना मतलब के लालच में आया करें, सस्ती चीज़ देख के आप पैसे भेज देते हैं और फिर बाद में मुझे कहले आती है वैस भाई फला बंदे ने हमारे साथ फ्रॉड कर लिया है। तो सस्ती ना देखें, चीज़ देखें। और मैं आज के बाद इंशाल्लाह दोस्तों के साथ एक वादा कर रहा हूँ, एक अहद कर रहा हूँ कि मेरे जो नेट पे या यूट्यूब है या फेसबुक है इसके ऊपर जो वीडियो लगेगी उसमें अगर कोई दोस्त जानवर परचेज करता है उसमें अगर कोई एक जानवर गलत आ जाता है आप उसका स्क्रीनशॉट भेज दें और मुझे बता दें अवैस भाई फलां बंदे ने ये जानवर गलत दिया है और हम वापस करना चाह रहे हैं, रिटर्न करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह मैं वादा कर रहा हूँ आपके साथ कि वो जानवर 100% उसको वापस करना होगा, क्योंकि हम उनकी डेली यानी वीकली बेस पे उनकी वीडियो अपलोड करेंगे, हर फार्म की जो है उससे माल सेल करने वाले को भी फायदा है, लेने वाले को भी फायदा है, लेने वाला गारंटी वाला माल लेगा और बेचने वाले को ये फायदा है कि वो घर में सेल करेगा, मंडी में नहीं जाएगा, मंडी में अखराजात होते हैं, गाड़ी के रेंट, उधर चारे के रेंट। तो मेरे ख्याल में मैं खुद अपना जायजा बता रहा हूँ, अगर मल्लू मोड़ हम एक जानवर ले जाएं तो 4000 पर जानवर पर खर्चा आता है, अगर 10 जानवर ले जाएं तो 40000 रुपया पहले हमें खर्च निकालना पड़ता है और फिर उसके बाद प्रॉफिट। तो अभी अगर आप खुद समझदार हैं वीडियो देखने वाले, अगर हमें घर बैठे 40-50000 10 जानवर प्रॉफिट दें तो हमें मंडी जाने की जरूरत नहीं होगी, और आपको मंडी में अगर वही जानवर 10 परचेज करते हैं हमसे ही, पहले हमने 40000 रुपये जो अपना खर्च निकालना है ऊपर प्रॉफिट, तो फिर वो आपको भी महंगा पड़ेगा और हमें भी उसमें फायदा नहीं है। तो कोशिश करें, इसमें आपका भी फायदा है, आप फार्म पे आए, गारंटी मंडी में कोई आपको गारंटी नहीं मिलेगी, यूट्रस की गारंटी नहीं मिलेगी, मतलब कोई मतलब इधर हंजीर होती है जानवर की गर्दन के नीचे से, तो उन्होंने गानियाँ वगैरह वो मतलब पट्टियाँ वगैरह लेटी होती हैं, तो आदमी को उधर गर्मी में नहीं पता चलता तो धोखा हो जाता है, मंडी 90% जो है धोखा है। कोशिश करें फार्म का विजिट करें, बंदे को देखते रहें, ऑनलाइन देखते रहें, यार ये फलां बंदा अच्छे अच्छे जानवर लेकर आ रहा है इससे जानवर खरीदेंगे, उसके रेट चेक करें। हाँ, अगर उसके जानवर महंगे हैं तो चीज़ भी देखें, उसके पास चीज़ अच्छी होगी, वो कंपैरिजन कर सकते हैं। एक प्लेटफार्म बना हुआ है बलवाल में जो कि जानी भाई ने बनाया हुआ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफार्म उन्होंने बनाया हुआ है, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि उससे भी ज़्यादा बड़ा प्लेटफार्म, एक हालांकि बछड़ियों के हक में हमारा इलाका मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 1 है, तो मेरी कोशिश यही है कि दोस्तों के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म बना दें ताकि दोस्तों को ख़रीदने में कोई दिक्कत ना हो, और व्यापारी भी इधर हमारे जो इलाके के व्यापारी हैं वो भी खुशहाल हो जाएंगे, मंडी में जाते हैं उधर खर्चा करके जाते हैं, उधर जाके सेल करते हैं, थोड़ी बचत से घर में सेल करेंगे उसमें आपका भी फ़ायदा है और उनका भी फ़ायदा है, और जानवर भी आपको गारंटी वाले मिलेंगे। हाँ, अगर आपके साथ कोई ऐसा जानवर गलत देता है वो आप मुझसे रब्ता करें, मेरा नंबर मेरे यूट्यूब के इनबॉक्स में भी लगा हुआ है, मेरे फेसबुक के इनबॉक्स में भी अबाउट में लगा हुआ है, आप जाएं मेरा नंबर उठाएं मुझसे रब्ता करें, अगर किसी का आप शिकवा शिकायत है आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बफजले खुदा अल्लाह ने चाहा तो मेरी कोशिश यही है कि अपने दोस्तों के लिए अपने व्यूअर्स के लिए अच्छे अच्छे जानवर जो है वीडियो मतलब उनकी नेट पे लगाया करूं और ऐसे बंदे की वीडियो लगाऊं जिसके पास जानवर अच्छे हों और उनसे थोड़ा सा रेट का भी अंदाज़ा ले लूं ताकि जानवरों के रेट भी स्टेबल हों, अच्छे हों, मतलब मार्केट के लिहाज से हों, सस्ते तो मिलते नहीं हैं। अगर आप कई मेरे ख्याल में जितना भी इलाका चेंज कर लें, बलवाल से ले लें या इधर से ले लें, मेरे ख्याल में बलवाल में 20-25 हज़ार रुपया जो है बछड़ी महंगी है,
क्योंकि वो एक इलाका मशहूर हो चुका है और मैं इसको अभी फेमस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मशहूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी कोशिश करें, विज़िट करके ख़रीदें, ऑनलाइन आप बयाना भेज दें और विज़िट करें। बयाना भेजने के बाद उसको थोड़ा बहुत बयाना भेज दें, उसके पास विज़िट करें, उसको पास जानवर अगर अच्छे लगें तो ठीक है, नहीं तो उसके उससे बात कर लें कि अगर मुझे जानवर पसंद ना आए तो बयाना काबिले वापसी होगा। तो ऐसा कोई शेड्यूल बनाएं, आप दोस्तों का भी फ़ायदा होगा और लेने देने दोनों का फ़ायदा होगा। तो अभी के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त और वीडियो को इतना शेयर करें ताकि जो दोस्त इस बात से गुमराह हैं, अभी फ्रॉड से बचे हुए हैं, जिनसे फ्रॉड होने वाला वो भी बच सकें। तो कोशिश करें हमारी वीडियो को इतना शेयर करें सदका समझ के, ताकि किसी का फ़ायदा होगा तो अल्लाह आपके उसको अल्लाह आपका उसको अल्लाह आपको उस बात का अजर देगा। तो अभी के लिए जजाक अल्लाह, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगेबान। ठीक है ना, गलत।